प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 1 एंड 3। आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट टू गिवन है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए और स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाए तो आप इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो। 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ठीक है जी, अब क्या चाहिए आपको? डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स को क्या रखें, स्लोप आ गया आपके पास ये, लेकिन पॉइंट आपको गिवन है क्वेश्चन में। क्या है पॉइंट? पॉइंट है 1 एंड 3, यानी कि x की वैल्यू आप 1 रख सकते हैं। इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसके अंदर x की वैल्यू रखो ताकि आपके पास स्लोप आ जाए। 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10 30 माइनस 28 क्या आया? आ गया स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप 2 एट पॉइंट 1 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले कि स्लोप हो गया 2, पॉइंट क्या आ गया 1 3। तो क्या इक्वेशन थी? y माइनस y1 स्लोप इनटू x माइनस x। इस तरह से तो सॉल्व कर लो इसको। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और 2x माइनस 5